उत्तर बंगाल का जो मंत्री तो कितना बड़ा मामला है, तो वहां सत्ता और विपक्ष यानी कि भाजपा और कांग्रेस एक जैसी हो जाती है। भाजपा का जो आरएसएस का जो एक यहां पत्रिका जारी होती है पाठ्यक्रम, उसमें लिखा हुआ है कि झूठा मटका कांड, तो मैं समझता हूं कि उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि भाई वो कौन होते हैं ये कहने वाले, अभी तो जांच चल रही है। उसके बाद पंचायतें होती हैं, हमारी मांग है कि सरकार इन वर्गों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसमें कानून बनाए कि जो इन पे हिंसा करेगा उसकी संपत्ति जब्त होगी, और जो एसटी एक्ट है उसका अनुपालन करे कि इन पे वर्गों पर अन्याय अत्याचार करने वालों को तत्काल जो है जो सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी है। 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे अभी तक चुके हुए वो वापिस नहीं लिए गए। ये जो अन्याय है ये अन्याय बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, इसलिए सरकार का जो रवैया है वो आम आदमी तक पहुंचे, इसलिए न्याय यात्रा हमारे यहाँ शुरू होगी 15 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक पहला पेज। आपने कहा कांग्रेस और बीजेपी दोनों में अत्याचार होगा, अब क्या होगा आपकी खुद की पार्टियां विधानसभा में? इनसे जनता का भरोसा, जो समुदाय जिस समुदाय से हम आते हैं, एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का समुदाय, उनका भरोसा इन दोनों सरकार से उठ गया है, इसलिए आजाद समाज पार्टी अपने दम पे जो है यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उसके लिए अब हम न्याय यात्रा और बड़ी बड़ी रैलियां करके सरकार और पिछली सरकारों जो अन्याय हुआ है और हम उसमें कितना बेहतर जो है उनके लिए कर सकते हैं, और हमारे हमें अवसर मिलने पे अन्याय अत्याचार पूर्ण रूप से जड़ से खत्म हो जाएगा, ये बात का संदेश जो है आम आदमी तक पहुंचेगा। और बाकी हम इसको पहुंचाने के लिए अब न्याय यात्रा और रैलियां करके अपने राजनीतिक आंदोलन में मजबूत करेंगे।